हे गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आज आप सभी का राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको कि हम शॉर्टकट में RSSB JEE बोलते हैं, उसका ऑफिशियल सिलेबस अपलोड हो चुका है इसके वेबसाइट पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम RSSB JEE के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, RSMSSB हैव रिलीज्ड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2022 कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द RSMSSB JEE 2022 रिक्वायरमेंट शुड डाउनलोड PDF फ्रॉम गिवेन लिंक बिलो। तो कह रहे हैं डियर फ्रेंड, आप सभी का PDF के फॉर्म में आप सभी का सिलेबस अपलोड हो चुका है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ नीचे लिंक इसका दिया है, तो आप लोग वहाँ से लिंक पे जा करके इसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें RSMSSB JEE 2022 के एग्जाम पैटर्न की, तो आप सभी को जो टाइम मिलेगा एग्जाम में, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 नंबर का आप सभी का 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करें तो 120 का मतलब डिफरेंट आप सभी को एक क्वेश्चन पे एक नंबर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के आप सभी के 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद टेक्निकल से रिलेटेड आप सभी के 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो 80 और 40 मिला करके 120 क्वेश्चन आप सभी को हो गए। इसमें डिफरेंट एक बात और करना चाहेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपका, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेंड करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक, एग्जाम शेड्यूल एज पर एग्जाम सेंटर 5th, 6th एंड 7th मई 2022। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का एग्जाम कब होगा ये भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, कहने का मतलब है आप सभी का 5th, 6th और 7th मई 2022 को एग्जाम होगा इसका। ठीक, और भी आगे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू JEE 2022 स्कीम एंड सिलेबस JEE 2022 वेरियस ट्रेड। तो यहाँ पे और भी जानकारी के लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा PDF, चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद इसमें सिलेबस का चर्चा करते हैं कि आप सभी का किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और जैसे हमने डाउनलोड किया इसका PDF देखिए खुल गया। तो यहाँ पे पहला सिलेबस दे रहा है कनिष्क अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा। तो ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का समान ज्ञान राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था से आप सभी का 40 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद भाग बी में यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमा से आप सभी के ब्रांच से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर डियर फ्रेंड आप सभी का क्वेश्चन आएगा 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, आप सबको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नोट इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा है कि प्रश्न में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे एवं सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णित अंक 40% है, इनमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने मतलब मिनिमम आप सभी को पूरे नंबर का 40% प्राप्त करना ही होगा, अगर आप इससे कम नंबर पाते हैं तो आप एकदम मतलब बिल्कुल बाहर रहेंगे। ठीक, और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, किसी विशेष प्रकार के गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा मिस्टेक कर देता है, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करो तो कुछ और बताने लगता है और ऊपर इसके कुछ और बताता है। वहाँ पर लिख रहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और यहाँ पर लिख रहा है कि किसी विशेष प्रश्न के गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो चलिए आप लोग एग्जाम दीजिएगा, वहाँ पे जो अपना डेस्कटॉप आएगा वहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या एक्चुअल में होने वाला है। ठीक, तो चलिए सिलेबस की हम बात करते हैं डिफरेंट, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है समान ज्ञान की अगर बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत से क्वेश्चन आएगा, जिसमें देखिए यहाँ पे कम से कम 17 पॉइंट मेंशन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट चलिए पढ़ देते हैं, बाकी का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि सारा पॉइंट पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोग देखने में भी बोर हो जाते हैं ऐसा हमें लगता है। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला पॉइंट से आप राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्त्रोत, दूसरा पॉइंट है राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, इसके बाद तीसरा पॉइंट है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, इसके बाद चौथा है मुगल राजपूत संबंध, उसका पांचवा स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, ये सब सारे चीज़ें इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम वीडियो को कुछ समय के लिए रोके हैं 1-2 सेकेंड के लिए। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आएगा राजस्थान का भूगोल से, तो देखिए राजस्थान के भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, स्थिति एवं विस्तार पे आएगा, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये सभी से क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका शॉट ले चुके होंगे, चलिए इसके साथ हम आगे चलते हैं। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से इसके क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें 7 पॉइंट मेंशन कर रहा है, राजस्थान की स्थानीय नगर स्वशासन, इसके बाद 14वां संविधान संशोधन विधेयक, राज्यपाल,
राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2021। तो इतने पॉइंट्स आपसे भी क्वेश्चन आएंगे। कहीं मतलब डिफरेंट राजस्थान की कोई भी वैकेंसी आती है तो राजस्थान का जो स्टेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपना पूछता है। और चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप सभी का जो आप सभी का ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए आप सभी क्वेश्चन पूछेगा बेसिक कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड दियर यूनिट्स। ये क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसके बाद दूसरा पॉइंट दे रहा है सर्किट लॉ से। तो देखिए सर्किट लॉ से क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है आप सभी का, किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्विंग यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आगे मैग्नेटिक सर्किट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फिगुरेशन, स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनोइडल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये रहेगा क्वेश्चन आप सभी का मैग्नेटिक सर्किट से। इसके बाद एसी फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आएगा आप सभी का। एसी फंडामेंटल से देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, इंस्टेंटेनियस पीक आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आरएल एंड सी, रेजोनेंस टैंक सर्किट, पॉली सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेज पावर, डीसी एंड साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। चलिए आगे बात करते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा आप सभी का। तो देखिए मेजरमेंट से क्या क्वेश्चन आएगा, किन किन टॉपिक से, मेजरमेंट ऑफ पावर सिंगल फेज एंड थ्री फेज बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव एंड एनर्जी, टू एमीटर मेथड ऑफ थ्री फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन टाइप, एक्सटेंशन ऑफ रेंज वाट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर एनर्जी मीटर, एसी ब्रिज, यूज ऑफ सीआरओ सिग्नल जनरेटर, सीटीपीटी एंड दियर यूजेज, अर्थ फॉल डिटेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप सभी का, मतलब मेजरमेंट के इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की। तो देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, डीसी मशीन से पूछेगा, कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, जनरेटर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, लॉसेस, एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन। इसके बाद देखिए आगे सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेस, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और आगे देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर से भी क्वेश्चन पूछेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। चलिए बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन से। देखिए सिंक्रोनस मशीन से पूछेगा जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। चलिए बात करते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सिस्टम, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ, टाइप ऑफ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट, फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट, स्विच गियर, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन बाय ऑयल एंड एयर, एचआरसी फ्यूज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज ओवर करंट, ईटीसी, बकोल्स रिले, मर्ज प्राइस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स एंड बस वार, लाइटिंग अरेस्टर, वेरियस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपेरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स, इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम। इसके बाद पूछेगा क्वेश्चन केबल, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल, केबल रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर से। बात करते हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से। तो डिफरेंट बता देना चाहता हूँ आप सभी का, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछेगा, एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड रिलेवेंट आईई रूल्स, अर्थिंग प्रैक्टिकल्स एंड आईई रूल। इसके बाद बात करते हैं यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर से। चलिए बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, इसे पूछेगा आप सभी का क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी टाइप, बीजेटी एंड जेएफईटी, सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइस, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं
ये आगे है यांत्रिक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस खत्म हो गया। तो जितना भी हम सिलेबस बोले हैं, जिन जिन सब जो जो सब्जेक्ट बोले हैं और जो जो सब्जेक्ट में टॉपिक बोले हैं, इन्हीं टॉपिक में से, इन्हीं सब्जेक्ट में से आपका इतना क्वेश्चन पूछेगा। कहने का मतलब, आप सभी के ऊपर हमने राजस्थान का नॉन टेक का क्वेश्चन बताया, उसके बाद नीचे हमने टेक्निकल का, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के टेक्निकल क्वेश्चन बताया है। जितना भी सब्जेक्ट बताया और जिन सब्जेक्ट में जितना टॉपिक बताया, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन आप सभी का बाहर नहीं जाएगा। डिपेंड, आप बस इनको प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चीजें। बाकी आगे मैकेनिकल स्टूडेंट का भी सिलेबस दिया है, तो डियर फ्रेंड हम इस पीडीएफ को घिसकाते जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट ले लीजिए, नहीं तो इसको आप अपने ग्रुप में इस पीडीएफ को भेज देंगे। देखिए 39 पेज का ये पीडीएफ है, तो सारा चीज़ तो हम बता नहीं पाएंगे। मैकेनिकल स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे ग्रुप में जाकर के, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हो डियर फ्रेंड, आप सभी हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारा चीज़ हम भेजते रहते हैं आप सभी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट, तो आप लोग वहाँ पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर के अच्छे से डिटेल्स में देख लीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपसे मैकेनिकल स्टूडेंट का। आगे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस दिया है, मतलब पूरा पीडीएफ है इसका। हमारा मेन मोटिव था इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस बताना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए खासकर मतलब वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे उनका नोटिफिकेशन अपडेट कुछ भी, किसी भी टाइप का अपडेट, नोटिफिकेशन हो ए टू जेड, उन्हीं के लिए हमारा सारा वीडियो आता है। तो डियर फ्रेंड उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अपना सिलेबस समझ चुके होंगे, ये राजस्थान वाले जेई के पेपर में क्या क्या उनका क्वेश्चन पूछेगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और सरकारी वोकेशन तैयारी करते हैं डियर फ्रेंड, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर फ्रेंड लास्ट में, आज की वीडियो पूरा देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।